हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कौन सी पार्लियामेंट है जो हाथ खड़े करके वोट करती है कि एक मुजरिम पार्टी का, ये कौन सी पार्लियामेंट है जो मुजरिम को पार्टी का सरबरा बनाती है? इमरान खान का ओपोजिशन के एहतजाज से खिताब, पार्लियामेंट पर तनकीद, असेंबलियों से इस्तीफे पर पार्टी में मुशावरत की यकीन दहानी। मैं अब फौरी तौर पर जाके अपनी पार्टी से बात करूंगा, हो सकता है कि हम तो आपके साथ ज्वाइन कर जाएं बड़ी जल्दी। दुनिया के गरीबों को जगा दो, जाति ओमारा के दरो दीवार हिला दो, सुल्तानी मजलूम का आता है जमाना, जो नक्श सितम तुमको नजर आए मिटा दो। गरीबों को जगा दो, जाति उमरा के दरो दीवार हिला दो, शेर की हुकूमत बदलने के लिए ताहिरुल कादर बदल दिया, लाहौर के मॉल रोड पर हुकूमत से इख्तलाफ पर, इसमें इख्तलाफ यक जबान, ताहिरुल कादरी की इल्जामात की बरसात, नवाज शरीफ को नया शेख मुजीब करार दे दिया, दो दिन में मुश्तरिका मुशावरत के बाद अगला करने का ऐलान। नहीं होगा, अब हमारी मुश्तरका जंग है, मुश्तरका जंग है। मुल्क से बेवफाई का इल्जाम, शरीफ ब्रादरान को निकालने के लिए इंतहा तक जाने का ऐलान। साबिक सदर आसिफ जरदारी ओपोजिशन के एहतजाज से खिताब के लिए आए तो हुकूमत पर खूब निश्तर बरसाए, कहते हैं पाकिस्तान को खतरा सिर्फ जातियों। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है, इन मुल्क को खतरा सिर्फ जाति उमरा से है। ये जाति उमरा के मुजीबुर रहमान इनसे, मैं अपना असेंबली से इस्तीफा देता हूं और इमरान खान इस्तीफा दो, बाहर आओ, लाठी उठाओ, नेजा उठाओ, जाति उमरे की तरफ मार्च करो, तकरीरों से ये बेशरम नहीं। शेख रशीद इस्तीफा मांगते मांगते मुस्ताफी हो गए, इमरान खान से भी इस्तीफों का मुतालिबा कर दिया। इस्तीफे के ऐलान के बाद ताहिरुल कादरी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को गले लगाए बिना नहीं रह सके, जलसे का मैन ऑफ द मैच भी करार दे दिया। अल्लाह की शान, इस्तीफे मांगे देने पड़ गए। मरियम नवाज का ओपोजिशन के एहतजाज पर रद्द अमल, नून लीग के रमेश कुमार की भी आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में ओपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं इमरान खान ने होशियारी की कि अपनी तकरीर आखिर में रखी। सियासत में इस्तीफा भी होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त मियां साहब की जो जमात है उसको पार्लियामेंट में फ्री, मुझे नहीं लगता कि मुनासिब वक्त है। नून लीग को पार्लियामेंट में खुला नहीं छोड़ सकते, इस वक्त इस्तीफे देना मुनासिब नहीं। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगु, असेंबलियों से इस्तीफों की मुखालिफत। नून लीग के जावेद अब्बासी कहते हैं असल में सारा खेल सेनेट इलेक्शन का है। सेनेट का इलेक्शन सर पे है, ये सारी गेम जो खेली जा रही है सेनेट के इलेक्शन को जा रही है। अगर बाकी इंसाफ मांगना है फिर तो अदालत में जाएं, लेकिन जब कंटेनर पे खड़े हो तो उसका मतलब इंसाफ नहीं इंतजार लाना होता है। इंसाफ के लिए अदालतों में जाते हैं, कंटेनर पर नहीं। कंटेनर पर चढ़ना इंसाफ मांगना नहीं इंतजार फैलाना है। परवेज रशीद की आज खारजा ख्वाजा आसिफ की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहते हैं जरदारी साहब हुकूमत में रहकर बीवी के कातिल ना पकड़ सके, अब दूसरे के कातिल पकड़ने के लिए जलसे कर रहे हैं। लाहौर के मॉल रोड पर एहतजाज के खात्मे के साथ ही अपोजिशन के इत्तेहाद का पोल भी खुल गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्विटर पर इमरान खान के खिताब पर तनकीद, कहा कि किसी के रवैये की तसी नहीं कर सकते, पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, कभी तो आज के मनाजिर आपको दिखा दिए हैं, काफी बड़ी तादाद है यहाँ पर कारकुनान की।
खवातीन जो हैं वो इस वक्त बहुत पुरअज़्म है। इस वक्त ये पंडाल जो है वो बिल्कुल भर चुका है। और कादरी इमरान और जरदारी कंटेनर की सवारी, आज न्यूज की लाहौर के माल रोड से एहतजाज की खसूसी कवरेज, एंकर पर्सन गरीदा फारूकी से अपोजिशन रहनुमाओं की खसूसी गुफ्तगू, पीपल्स पार्टी का नून लीग पर हमेशा साजिशों का इल्जाम, पीटीआई ने अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। बात होती 4 महीने की तो हम वाकई सबर कर लेते। लीग ने सारी जिंदगी साजिशों की पॉलिटिक्स की है। मेरा किसी मैं हूं आसमा इकबाल, मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे मॉल रोड पर अपोजिशन के मुश्तरका एहतजाज से। जलसे से खिताब में इमरान खान ने पार्लियामेंट पर इल्जामात लगाए और कहा कि ये कैसी पार्लियामेंट है जो मुजरिम को पार्टी का सरबरा बनाने की इजाजत देती है। शेख रशीद पार्टी से मुशावरत करेंगे। आपको बताएं कि सानिहाए मॉडल टाउन में पुलिस ने निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई। जैनब के वालिदैन ने पंजाब पुलिस वजीर आला से नहीं चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से इंसाफ मांगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें किसी भी सूरत पीछे नहीं हटना चाहिए। इमरान खान ने ताहिरुल कादरी को यकीन दिलाया कि वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को मर्दान में जलसे की दावत भी दी और कहा कि मुझे यकीन है कि लोग शहबाज अंडे और टमाटर मारेंगे। तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज खिताब किया और पार्लियामेंट पर इल्जाम लगाए और कहा कि ये कैसी पार्लियामेंट है जो का सरबरा बनाने की इजाजत देती है। शेख रशीद की जानिब से इस्तीफे के मशवरे पर उन्होंने कहा कि वो इस्तीफे देने पर अपनी पार्टी से मशावरत करेंगे। मजीद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। कौन सी पार्लियामेंट है जो हाथ खड़े करके वोट करती है कि एक मुजरिम पार्टी का हेड बन सकता है? मैं अब फौरी तौर पर जाके अपनी पार्टी से बात करूंगा और हो सके है कि हम तो आपके साथ ज्वाइन कर जाएं बड़ी जल्दी। कि ये पुलिस किसी फौज से नहीं लड़ रही थी, ये नहते शहरियों की तरफ गोलियां चला रही थी। जो जैनब के वालिद ने टीवी को कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, किससे इंसाफ मांगा? उसने आर्मी चीफ से इंसाफ मांगा, चीफ जस्टिस से इंसाफ मांगा, ना उसने पंजाब पुलिस से इंसाफ मांगा और ना उसने पंजाब के चीफ मिनिस्टर से इंसाफ मांगा। राणा सनाउल्लाह से तो किसी ने मांगना नहीं इंसाफ। वो है कातिल और शक्ल से कातिल लगता है। शहबाज शरीफ, मैं आपको आज चैलेंज करता हूं कि मर्दान के लोगों के सामने खड़े होके तनकीद करो पख्तूनख्वा की पुलिस को। शहबाज शरीफ, लोग आपको अंडे मारेंगे, आपको टमाटर मारेंगे। क्योंकि अब एक सदर आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ पर खूब तीर बरसाए, कहा मुल्क को खतरा जाति उमरा से है। उन्होंने नवाज शरीफ को जाति उमरा का मुजीबुर रहमान करार दिया। बोले जाति उमरा का मुजीबुर रहमान चाहता है कि मुल्क कमजोर हो जाए तो मोदी का यार और मोदी मिलकर जो चाहें वो कर सकें, लेकिन ये जान लें कि हम इनको निकालने के लिए इंतहा तक जा सकते हैं। को खतरा और किसी से नहीं है, इन मुल्क को खतरा सिर्फ जाति उमरा से है। उमरा के मुजीबुर रहमान इनसे खतरा है। इनका पाकिस्तान से कोई वास्ता ही नहीं, इनका सिर्फ जाति उमरा से वास्ता है। ये जहां जाएंगे वहां जाति उमरा बना लेंगे, तो इनको कोई परवाह नहीं पाकिस्तान की। ये चाहते हैं कि मुल्क कमजोर हो जाए तो फिर ये मोदी का यार मोदी मिलके जो करना चाहे वो करे। पाकिस्तान की जहां तक बात है, मैं ये जरूर कहता हूं कि उनको मैंने दुआ जरूर दी। दुआ और गवाह देना हम शासित के साइंटिस्टों का काम है। अब मुझे ये लगता है कि ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम जमहूरियत का सफ़र न पूरा करें इनको निकालने की। इनको निकालने के लिए अब हर उस बैच पे कौन जाए जा सकते। और जो साची समझ बूझ रखते हैं वो समझते हैं कि आज भी मैं इनको निकाल सकता हूँ, इसमें मुझे कोई देर नहीं लगेगी। मैं सिर्फ पाकिस्तान का सोचता हूँ। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एहतजाजी जलसे से 2 बार खिताब किया। उनका कहना था कि अब हर फैसला मुश्तरका होगा, 2 दिन के अंदर अंदर इजलास होगा जिसमें लाहे अमल तय किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जाति उमरा यहाँ से दूर नहीं, अगर हम चाहें तो शरीफ बरादरान अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, लेकिन हम अम पसंद हैं। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों जमहूरियत के लिए खतरा हैं। हमने देखा
अगले दो दिन के अंदर हम मीट कर रहे हैं, दो दिन के अंदर हमारी मीटिंग हो रही है, मुलाकात हम डेट अनाउंस करेंगे, शायद नेक्स्ट वीक की अनाउंस करेंगे या इसी जनवरी की कोई अनाउंस करेंगे। कोई फैसला मेरा नहीं होगा। अब हमारी मैं ये समझता हूँ कि आज जो मंजर आप देख रहे हैं लाहौर की सरजमीन पर, इसमें मेरा मोहतरम जरदारी साहब, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये कमाल है सानिया मॉडल टाउन के शहीदों के मुकद्दस खून का। मैंने जो आप सबको बुलाया, मेरा अपनी जात के लिए कोई ओहदा और मनसब हासिल करना न था न है न होगा। इस नए दौर के शेख मुजीबुर रहमान से इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए, इन दरिंदों से मुल्क को बचाने के लिए उठे, पहचाने के दुश्मन कौन है। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जलसे में अल्लामा इकबाल का एक कता भी सुनाया, लेकिन थोड़ी सी तहरीफ के साथ। आइए आपको भी सुनाते हैं। ओ मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, जाति के दरो दीवार हिला दो, सुल्तानिये मजलूम का आता है जमाना, जो नक्श सितम तुमको नजर आए मिटा दो। तो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, जाति। उधर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि मोहरों को अहकामात बजा लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जिसको गाली दी हो उसी का हाथ पकड़ना पड़ सकता है, ऐसी जिल्लत से सियासत छोड़ देना बेहतर है। जलसे की खाली कुर्सियों ने नवाज शरीफ के मौकिफ की तायीद कर दी कि साजिशी अनासिर न सिर्फ 2000 बल्कि उसके बाद भी सब्र करें। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मुस्तरद शुदा कठपुतलियों के नाटक का यौम हिसाब करीब आन पहुंचा, आवाम ने साजिशों और साजिशियों को वाजे और दो टोक जवाब दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वो पार्लियामेंट की तौहीन करने की कभी हिमायत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट का एहतराम करती है। पार्लियामेंट के हवाले से इमरान खान के बयान पर बिलावल ने ट्विटर पर रद्दअमल देते हुए लिखा कि वो किसी और के रवैये की तस्दीक नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पार्लियामेंट की तौहीन करने की वो कभी हिमायत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट का एहतराम करती है। और नाज़रीन, जब इमरान खान जलसे में पहुंचे तो ताहिरुल कादरी ने उनका हाथ थामा, लेकिन इमरान खान बार बार उनसे अपना हाथ छुड़ाते रहे। इमरान खान जनाब, इमरान खान लाहौर के मॉडल टाउन जलसे में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान हाइल खलीज का अक्स आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में भी नजर आया। पीपी रानू तहरीक इंसाफ को नून लीग की बी टीम कहा तो अली मोहम्मद खान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को सिक्के के दो रुख करार दे दिया। नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी ने कहा कि इमरान खान की जरदारी साहब के बारे में की हुई बातें सब जानते हैं, सारा खेल सेनेट के इंतखाबात के लिए है। मुस्लिम लीग नवाज इमरान खान साहब, मियां साहब और जरदारी साहब एक सिक्के के दो रुख। मैं इतना इस पे क्लियर हूं, जितना इस पे क्लियर हूं कि अल्लाह एक है। मैं इतना क्लियर हूं कि आप इनकी टीम बी है, इतना, क्योंकि आपके कामों से इनको मदद मिलती है। अगर हम इनकी टीम बी है तो इसका मतलब ये है कि हम उनका वोट का फायदा दे रहे हैं। नवाज, सेनेट का इलेक्शन सर पे है, ये सारी गेम जो खेली जा रही है सेनेट के इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए खेली जा रही है। इलेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे ये, जब वोट के जरिए हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, आप ये वजह से भागने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग की रहनुमा उज़्मा बुखारी कहती हैं कि पार्लियामेंट के खिलाफ बयान पर इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने हुकूमत के इस्तीफों के लिए आखिरी हद तक दिया। तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी ने भी इस्तीफों के लिए मुनज्जम एहतजाज को नागुजीर करार दिया। लेकिन इस्तीफे कब तक देंगे आप? मेरी राय को पूछे तो हम इस रास्ते को अख्तियार करना चाहिए, एज सून एज पॉसिबल कर दें और उसके नतीजे में ही आप एक कोई बड़ी तब्दीली देख सकेंगे। अदरवाइज तो जाहिर हम बर वक्त इंतखाबात को एज ए लास्ट रिजॉर्ट जो है उसको कबूल करेंगे। मॉरालिटी बेस पे ये कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे कि ये
चीफ बन गया हमारे लिए बहुत बड़ा, यह हम इसके जवाब दें इदारों के सामने, पार्लियामेंट के सामने, तो हम अपनी इस तरह ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये मेरा ख्याल है अपोजिशन पार्टियों को एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। कैमरे की आंख बहुत जालिम होती है, वो सब कुछ वो दिखा देती है जो कोई देखना नहीं चाहता। और आज खाली कुर्सियां भी देखी हैं, मजलूमों का और शहदा का खून बांटा जा रहा है, खून जो है वो बेचा जा रहा है, और उसके ऊपर लाशों पे सियासत करने की कोशिश की जा रही है।